देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा। और मैं हूं मिहिर भट्ट। और आज हफ्ते का दूसरा दिन, लेकिन ठीक ठाक ही संकेत हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत थोड़े पॉजिटिव बायस के साथ हो, कोई बहुत बड़ा रनअप एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, आज का दिन मार्केट के लिए अहम है, मल्टीपल ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए। एक तो ऑब्वियसली TCS आज इस पर नज़र रखनी होगी, साथ ही चंद्रशेखरन जो कि चार्ज लेने वाले हैं बॉम्बे हाउस में टाटा सन्स का, अंबुजा सीमेंट्स पर नज़र रखनी होगी खासकर कल के नंबर्स के बाद, और साथ ही मुंबई में चुनाव है, तो इन सारी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इस समय अगर आप ओपनिंग क्यूज़ देखें तो कम से कम एशियन इंडाइसिस में कहीं पर भी कोई नेगेटिव रुझान देखने को नहीं मिल रहा है मेजर, एंड उम्मीद ये की जा सकती है कि मार्केट क्रूज़ करने की कोशिश करेगा थोड़े हायर लेवल्स पे। बट हाँ, वो जो रेजिस्टेंस जोन है अब वो यहाँ से हार्डली 500 अंकों के फासले पर है। एंड साथ ही अगर आप ये देखें, ये सोचें कि हफ्ता छोटा है, ऊपर से सेटलमेंट होने वाली है, तो उसका ओवरहैंग हो सकता है मार्केट पर देखने को मिले। बिल्कुल, लेकिन आज के ओपनिंग से पहले जो इंटरनेशनल क्यूज हैं वो मिक्स्ड हैं। सेंटिमेंट्स टेक्निकल्स हालांकि स्ट्रॉन्ग रहे हैं, F&O डेरिवेटिव्स का डाटा अगर हम देखें तो वो भी एक न्यूट्रल स्टांस ही दे रहा है। लेकिन सुब्रा, संक्षेप में आज की ओपनिंग आप कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 8900 का लेवल क्या आज पार कर सकता है निफ्टी, और क्या ट्रेड, किस तरीके से ट्रेड लें आज? मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर जो है भाई 8850 का जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर बंद ही है, बंद दिया कल मार्केट में, तो मेरा मानना है कि शायद एक डैश टुवर्ड्स 8925 तक जाने की संभावना है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर मोमेंटम जो है ज़्यादातर साइड काउंटर्स पे है जो नॉन इंडेक्स पार्टिसिपेंट्स है, तो मेरा मानना है कि शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है 8925 के आसपास, और बाई टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे आई थिंक थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन ब्रॉडली ट्रेंड पॉजिटिव है और यही मान के चलना पड़ेगा शायद टुवर्ड्स एक्सपायरी मार्केट में एक वापस एक तेजी आएगी और जो शायद 8950-9000 यहाँ तक एक बार देखने को मिले। बिल्कुल, खैर चलिए, इस बीच प्री ओपनिंग टिक्स आने वाले हैं, और अब सुब्रा क्विकली प्री ओपनिंग टिक्स तो आ रहे हैं इस समय, लेकिन यू नो एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी है इस मार्केट में कि ये सेटलमेंट आते आते एक अच्छी चीज़ जो हुई है, जो बेस है मार्केट का वो शिफ्ट हुआ है। ख़ासकर अगर आप पुट कॉल की एक्टिविटी इस समय देखें, 8800 के पुट में जिस तरह की एक्टिविटी है, आई थिंक निफ्टी पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पर है। ये कहीं ना कहीं एटलीस्ट ये तो दर्शाता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है मार्केट में। डेफिनेटली बीर, आई थिंक जो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, और खास करके अगर आप देखें तो जो बैंकिंग जो एक ओवरवेट था यहाँ पर पूरा इंडेक्स और मार्केट पे, अभी वो शायद यहाँ पर इतनी मार्केट उस पर इतनी निर्भर नहीं है, क्योंकि फार्मा और IT वापस एक फोकस पे आ रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात है। और शायद आने वाले टाइम पे इस दोनों सेक्टर से अगर अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिले तो मेरा मानना है कि शायद रैली और ब्रॉड बेस्ड होगा और शायद वो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स के लिए और हेल्दी होगा। तो आई थिंक पॉजिटिवली लेना चाहिए दोनों सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन जो अभी फिलहाल हो रहा है जी। चलिए डिम्पी के पास चलते हैं और स्टॉक्स पास 50 के आज के टॉप 10 ट्रेड्स जान लेते हैं। बताइए डिम्पी। शुक्र दीपाली, पहले काउंटर्स दो काउंटर्स होंगे और डेरिवेटिव के एक्सपायरी के लिहाज से, जिनमें मार्च सीरीज के अंदर 300% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। एक्साइड पे आप नजर रखें, आप 300% से ज्यादा का OI इसके अंदर बना है और शेयर में करीब 50% की कैश डिलीवरी है, तो काफी तेजी से ऊपर आ सकते हैं। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखी है, 225 रुपये का टारगेट रखे, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। कमिंस इंडिया एक दूसरा शेयर होगा जिसमें मार्च सीरीज के अंदर भी 300% से ज्यादा का OI है और यहाँ पर भी आप देखें तो कैश डिलीवरी 75% है, तो हो सकता है कैपिटल गुड्स के अंदर अगर पुल बैक तो कमिंस थोड़ा लीड कर जाए। 905 रुपए के टारगेट के लिए यहां पे आप खरीदारी करें। अब इसके अलावा कुछ एक न्यूज फ्लो वाले शेयर्स भी देखें। डेल्टा कॉप, यहां पे हमने देखा है कि निचले स्तरों से कुछ खरीदारी वापस लौटते हुए दिखी है और शेयर दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास बंद भी हुआ था कल, तो डेल्टा कॉप पे आप नजर रखें, 132 का टारगेट होगा। सीमेंस, इसके साथ एक खबर आई है कि 287 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है, ये नागपुर मेट्रो के लिए इनको ऑर्डर मिला है, तो इसका फायदा इसको मिल सकता है। सिग्नल प्रणाली का ये ऑर्डर है, 1240 का टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। DB कॉप, इस पर आप नजर रखें, सरकार मीडिया में FDI निवेश को जल्द ही मंजूरी दे सकती है, ये हो सकता है 5 राज्यों के चुनावों के ठीक बाद ही ये अनाउंसमेंट आ जाए, अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, तो इसलिए आप इस पर नजर रखें। 400 रुपये तक के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि न्यूज मार्केट के अंदर फ्लोट कर रही है। ग्रेनर्स इंडिया पे आप ध्यान रखें, IFC की कंपनी में करीब 318 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है, तो इसका फायदा मिल सकता है। 130 तक का टारगेट रखें, आप खरीदारी कर सकते हैं। ब्रिटानिया पे आप नजर रखें, ग्रीस जहाँ से संकट की खबर है, वहाँ से एक अच्छी खबर भी आई कि ब्रिटानिया ने वहाँ पे एक कंपनी के साथ करार किया है और ये बेकरी प्रोडक्ट के लिए करार है। 3310 के टारगेट के लिए यहाँ पे आप खरीदारी करें, ये 3256 के आसपास बंद हुआ है।
ट्रेंड पे आप नजर रख सकते हैं। 8 दिनों में गिरावट के बाद शेयर उभरा है और शॉर्ट टर्म आवर्ली चार्ट पे वापस स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे सकता है, तो ट्रेंड पे नजर रखी जाए 258 के टारगेट के लिए। अटलांटा पे आप नजर रखें, काफी दिनों से चल रहा है, आज भी चल सकता है। 2017 के उच्चतम स्तरों पर शेयर पहुंच गया है और कंस्ट्रक्शन शेयरों में जो फायदा होगा पुल बैक का इसको भी मिलता हुआ दिखेगा। और 10वां शेयर है सीमेंट कंपनीज, छोटी सीमेंट कंपनी है जेके सीमेंट, इस पर आप नजर रखें। छोटे मझोले जो सीमेंट कंपनीज है वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट FIs का वापस तेजी से ऊपर आया है और यहाँ पे एवरेजेस के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से भी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, इसलिए टेक्निकल एनालिस्ट का व्यू 915 के टारगेट के लिए बाय कॉल है जी। तो ये कुछ पिक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। निफ्टी इस बीच इंडिकेटिव पिक्स में 22 पॉइंट ऊपर 8900 के पार दिख रहा है और सेंसेक्स करीब 20 पॉइंट ऊपर है इस समय इंडिकेटिव टिक्स में। एक बार TCS को देख लेते हैं। कल मार्केट क्लोजिंग से ठीक पहले 10-15 मिनट पहले TCS का बायबैक अनाउंस हुआ और इसने अच्छी रफ्तार पकड़ी थी। अब फिलहाल 2510 पर ये ट्रेड करा है, करीब 1/4% के आसपास की मजबूती यहाँ पर है। इन्फोसिस 1.5% ऊपर और पूरा IT स्पेस जो है वो आज भी इनफैक्ट बस करते रहेगा। लेकिन राजेश, TCS एक बार के लिए आज प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए क्या इंट्राडे पोजीशन पर? यस मेयर, मुझे लगता है कि TCS में एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए क्योंकि इसने जो कल हाई किया था 2550 के आसपास और उसके बाद इसमें एक लॉन्ग लिक्विडेशन देखा गया है। रफली इसका जो क्लोजिंग है दैट इज समवेयर नियर 2500, सो 50 रुपीज़ का इसमें एक इमीडिएट करेक्शन हमने देखा। तो मुझे लगता है कि इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि यहाँ पे एक लॉन्ग लिक्विड हो चुका है और यहाँ से एक बार के लिए एक माइल्ड करेक्शन आ सकता है। तो मेरे लिए तो यही कहना है कि 2350 का इसका एक अच्छा सपोर्ट है। हमने ऑलरेडी TCS में रैली देखी रफली 2000 रुपीज़ से, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट टेकिंग आएगा और 2350 का जो इसका सपोर्ट है वहाँ तक तो एक बार के लिए करेक्ट होगा। जी हरी, ये छोटे फार्मा स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? एक तो मार्क्सन्स फार्मा जहां पर कल एक अच्छी मजबूती हमने देखी, 20% ऊपर एक क्लोज हुआ, लेकिन क्या यहां से और मजबूत हो सकता है? क्योंकि जब गोवा प्लांट पर अलर्ट आया था लास्ट ईयर तब ये 100-110 के लेवल से फिसल के सीधे 35-40 रुपए के लेवल्स पर आ चुका था। अब क्योंकि क्लैरिटी मिली है, पॉजिटिव खबर है, तो क्या यहां से और मजबूती दिखा सकता है ये शेयर? मेरे ख्याल से ये जो फॉर्म 483 का ओवरहैंग है वो तो शायद फार्मा पे जारी रहेगा और खास करके जो छोटे फार्मा है इन पे आई थिंक डेफिनेटली देर इज अ मोर लाइकलीहुड ऑफ दिस प्रेशर। सी पॉसिबिलिटी दीपाल ये आ रहा है कि काफ़ी जो छोटे और नो मीडियम साइज फार्मा कंपनीज हैं ये एक्विजिशन कैंडिडेट्स बन सकते हैं, सो आई थिंक दैट इज पॉसिबली वेइंग ऑन सम ऑफ दिस स्टॉक्स। बट फ्रेंकली मैं फार्मा पे ओवरऑल ही थोड़ा नेगेटिव हूँ एंड इवन इफ आई प्रीफर, मैं प्रीफर करूँगा कि लार्ज कैप स्टॉक्स खरीदे, छोटे स्टॉक्स से मैं दूरी रहूँगा। बिल्कुल। इस बीच एक बार अंबुजा सीमेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर कल जिस तरह के नंबर्स कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं, आज देखना होगा सीमेंट स्पेस कैसे बिहेव करता है। अंबुजा इस बीच नेगेटिव है, हल्का सा नेगेटिव बायस, 239 के आसपास ये इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन हरी, फंडामेंटली आपको नंबर्स कैसे लगे, क्या व्यू है आपका? मीर देखा, आप टॉप लाइन देखोगे जाते 6.7% डाउन था। आई थिंक एक बात तो साफ जाहिर है कि इस सीमेंट पे डिमोनेटाइजेशन का प्रेशर बना हुआ था। जो प्रॉफिट 50% इम्प्रूवमेंट देखा था, आई थिंक दैट वाज लार्जली ऑन द बैक ऑफ बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट। यू नो, मैं काफी दिनों से कहते आ रहा हूँ कि जितने भी बड़े सीमेंट कंपनियां जैसे ACC है, अंबुजा है, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ये काफी स्टीप है। इनफैक्ट हिस्टोरिकली मैं देख रहा था कि आप इसका EV वैल्यूएशन देखोगे तो हिस्टोरिकली इट्स एट ऑल टाइम हाई। तो मुझे तो यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल तो बहुत कम दिख रहा है। शायद से आई थिंक आफ्टर अ डिप वी कैन लुक एट दिस स्टॉक्स, बट एट दिस प्राइसेस मुझे तो काफी स्टीप लग रहा है। जी सुब्रा, दो स्टॉक्स, एक तो REC यहाँ पर आपका व्यू क्या है और दूसरा जेट एयरवेज? आज ये फेंडो बैन से भी बाहर हो रहा है, कल चला भी था, तो हो सकता है स्पर्ट आज और स्ट्रॉन्ग दिखे, लेकिन दोनों ही पर क्या सलाह देंगे आप? दीपाली, REC इनफैक्ट हमारा दिन का रिकमेंडेशन भी है। आई थिंक अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट बढ़त देख रहे हैं और एक मोमेंटम पे है अभी। ये सिर्फ एक आई थिंक 152 की जो एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस इसको पार करके निकला तो मेरा मानना है कि शायद 160-162 यहाँ तक जाने की संभावना है। और इसमें खास रुचि इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर एक कम डिविडेंड कोट करा है, 7 रुपये का डिविडेंड है, तो जो काफ़ी यील्ड के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है। और दूसरा जो आपने जेट एयरवेज की बात की, आई थिंक इस पर भी एक मामूली सी मोमेंटम देखने को मिल रही है, तो शायद यहाँ से जो जिनके पास पोजिशन है एक 400 तक से उम्मीद कर सकते हैं जहाँ पर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। मेरा मानना है कि शायद मोमेंटम के साथ एक बार एग्जिट बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा क्योंकि ब्रॉडली एक अंडर परफॉर्मर है। संकेत जिस तरह के हैं, राजेश कोई और पिक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे क्या?
यस मीर, मुझे लगता है कि बैंकिंग अच्छा लगता है कि आप स्पेशली पीएसयू बैंकिंग अच्छा खासा करेक्शन हुआ है उसमें। आप पीएनबी देखिए या ओरिएंटल बैंक देखिए या कॉरपोरेशन बैंक देखिए, उसमें से जो मेरा पिक रहेगा वो यूनियन बैंक रहेगा। मुझे लगता है यूनियन बैंक में जो करेक्शन हुआ है वो एक स्टीप करेक्शन, हमने 155 लेवल से देखा 140 लेवल तक, तो मुझे लगता है कि वो करेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकेगी। 137 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूँगा मैं, और इसका टारगेट रहेगा 154 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा आइडिया पे। हमने देखा इस एक्सपायरी में, इस सीरीज में आइडिया में बहुत अच्छा एक पुल बैक देखा, इट्स क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखी। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखो तो भारती भी अच्छा चल रहा है। आइडिया में मुझे लगता है कि फॉलोइंग द एक्सपायरी एक शॉर्ट कवरिंग रैली और आ सकती है, तो आइडिया हमने एक लॉन्ग रिकमेंडेशन किया है टिल एक्सपायरी। 102 का एक स्टॉप लॉस रखे और इसका टारगेट रहेगा 118 का। जी, लेकिन कल के सेशन में प्राइवेट बैंक्स में, स्पेशली छोटे प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छा मूव आया था मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले। फंड हाउसेस भी काफी एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक्स से, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने करोड़ों ऐसा बैंक के स्टॉक्स बाय किए थे, तो इस पॉकेट पर ध्यान दिया जा सकता है। एक मैक्स फाइनेंशियल पर ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि आज गोल्डमैन सैक्स यूनिटेक ब्लॉक डील के जरिए कुछ शेयर्स ऑफलोड कर सकते हैं मैक्स फाइनेंशियल के। 3.25% नीचे भी इंडिकेटिव एक्शन में ट्रेड कर रहा है, जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है वो डिस्काउंट पर है 7.5% के, 550 के, 575 पर अभी इंडिकेटिव एक्शन में है, तो दबाव शायद देखिए आज मैक्स फाइनेंशियल के स्टॉक में। लेकिन हरी, ये हेवल्स और लॉर्ड इलेक्ट्रिक पर आपका व्यू क्या है? जो डील हुई वो शायद इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई क्योंकि दोनों ही शेयर्स डेलो पर क्लोज हुए थे, आपके कमेंट्स क्या हैं और हेवल्स पर स्पेशली क्या राय देंगे? देखिए, मैं लॉयड्स पे कभी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा हूँ, लेकिन हेवल्स हमेशा से मेरा एक फेवरेट रहा है, और मैं मानता हूँ कि ये एक्विजिशन के 2-3 खास इंपॉर्टेंट यू नो बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहले बात तो ये कि आप मार्जिन्स देखोगे तो आई थिंक हेवल्स के मार्जिन यू नो लॉयड्स के मार्जिन से काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट लॉयड्स मार्जिन्स आर इन सिंगल डिजिट्स, हेवल्स इन डबल डिजिट्स। दूसरी बात, लॉयड्स जो एसी बिजनेस में है, हेवल्स इज टोटली एब्सेंट इन दैट। और जिस तरह से पोस्ट जीएसटी सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज का शेयर कम होगा, आई थिंक ये एक्विजिशन इनके लिए एक लॉन्ग टर्म वैल्यू बना सकता है, और मैं तो पॉजिटिव हूँ। आई थिंक 480-490 का टारगेट हम हेवल्स पर डेफिनेटली देख सकते हैं।